स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है कि वो कहना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स को अगर वो फर्दर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं तो प्रूव करो वो एक साइक्लिक है। ठीक है भाई साहब आइएगा। तो अगर मैं ये एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर पिक कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने इसका और इसका बाइसेक्टर बना दिया, ये मैंने इसका बाइसेक्टर बना दिया और ये मैंने इसका बाइसेक्टर बना दिया, तो क्या मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ? बोलिए यस और नो। तो ये मैंने इनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो ये कह रहे हैं जो पी क्यू आर एस फॉर्म हो रहा है ना वो साइक्लिक है। आप बोलोगे सर सर्कल तो है नहीं। भाई साइक्लिक का मतलब ये नहीं मुझे सर्कल दिखे, साइक्लिक का मतलब है उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर यस और नो? अब इसका गिवन कैसे चलेगा वो समझिए। गिवन आया एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल कौन सा पी क्यू आर एस टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस क्या है मेरा एक हा भाई आइएगा अब इसके प्रूफ में आते हैं। ध्यान से समझिएगा सब। इन ट्रायंगल ए पी डी इसको मैं ले रहा हूं एंगल वन, इसको ले रहा हूं एंगल टू और इसको ले रहा हूं एंगल थ्री। हाँ जी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एग्री करते हो सब लोग? हाँ श्योर। इन ट्रायंगल सी आर बी इसको ले रहा हूं फोर, इसको ले रहा हूं फाइव, इसको ले रहा हूं सिक्स। एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू दोनों जगह क्या लगाई मैंने एंगल सम मार्क इट एज इक्वेशन वन मार्क इट एज इक्वेशन टू वन प्लस टू एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू सब एग्री करते हो? बोलिए श्योर। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव को मैंने अलग कर दिया, एंगल थ्री की जगह लिख सकता हूं एंगल एस पी क्यू। बोलो वर्टिकली। और एंगल फाइव की जगह लिख सकता हूं एंगल एस आर क्यू। ओ सॉरी सिक्स फाइव की जगह लिख सकता हूं एस आर क्यू। तो क्या बना ये रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टू, टू टाइम्स एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स प्लस टू टाइम्स एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू 720 डिग्री। सबको टू से मल्टीप्लाई करते हैं। वट इज वन टू टाइम्स एंगल वन प्लस टू टाइम्स एंगल वन को क्या लिख दू एंगल डी लिख दू
टू टाइम्स एंगल टू को क्या लिख दूं, एंगल ए प्लस टू टाइम्स एंगल फोर को, टू टाइम्स एंगल सिक्स को, इसको एज इट इज रहने दो। क्या बात समझ आई? व्हाट इज एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, और इसका रीजन जो दिया है ये तो गिवन था हमें कि वो एंगल बाइसेक्टर्स है। बोलो जी, तो ये बन गया 360। क्या बेटे टू टू नहीं तो डी बनाया था, टू टाइम्स एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 720। 360 इधर प्लस हो रहा उधर जाके, तो टू टाइम्स एंगल एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके क्या होगा, सो देयर फोर एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी साइकिल की, ईदर पेयर कोई भी एक पेयर अगर 180 सम दे गया तो वो क्या है फिगर, सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बात समझ आ गई सबको, पी क्यू आर एस इज अंडरस्टैंड करिए नोट।